हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यूटन स्टडी वन। देखिए, न्यूटन स्टडी वन में आपका स्वागत है। और आपको मैं बताऊं, अब ट्वेल्थ के बाद देखिए क्या करें, आईटीआई बेटर है या पॉलिटेक्निक, इन दोनों के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आईटीआई क्या होती है, पॉलिटेक्निक क्या होती है, इस पे कौन कौन सी जॉब मिलेगी, इस पे कौन कौन सी जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट में इसका कितना डिमांड है, गवर्नमेंट में इसका कितना डिमांड है, प्राइवेट में इसका कितना डिमांड है, प्राइवेट में इसका कितना डिमांड है। तो चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको पूरा पूरा समझ में आ जाए। तो इन दो चीजों जो है, इन दो चीजों के बारे में मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 12th के जो बाद आप क्या करने जा रहे हैं, तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है। आप आईटीआई भी कर सकते हैं, ये 10th पे भी होता है, ये 12th पे, 10th या 12th दोनों पे भी होता है। देखिए, ये भी 12th के बाद भी होता है, जैसी मर्जी आपके पास टाइम के हिसाब से आप कर सकते हैं। या आईटीआई जो होता है 2 साल का होता है, डिप्लोमा जो होता है 3 साल का होता है। इसमें ट्रेड आते हैं फीटर, इलेक्ट्रीशियन, डाट बहुत सारे ट्रेड आते हैं, मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, इसमें भी आते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, डाट बहुत सारे ट्रेड इसमें भी आते हैं, लेदर टेक्नोलॉजी। तो देखिए, आईटीआई करने के बाद आपको 2 साल का टाइम लगेगा आईटीआई करने के लिए, पॉलिटेक्निक करने के लिए 3 साल का टाइम लगेगा। अगर आप के ग्रुप से करते हैं 12th के बाद, तो 2 साल लगेगा के ग्रुप। अब देखिए, आप लोग जो है 12th के बाद खाली मत बैठिएगा, कुछ ना कुछ जरूर कीजिएगा। साइड से आप चाहे तो ग्रेजुएशन भी प्राइवेट से कर सकते हैं, अगर इनमें से गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन करा रहे हैं या कराने वाले हैं, तो अगर इनमें से कोई एक गवर्नमेंट है तो आप साइड से प्राइवेट ग्रेजुएशन भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइफ में ग्रेजुएशन बहुत मायने रखता है। तो देखिए, यहाँ तो आप डिप्लोमा कर चुके, यहाँ पे आप आईटीआई कर चुके, अब आईटीआई और डिप्लोमा करने के बाद करेंगे क्या, तो आपको बता देता हूँ कि आईटीआई के बाद आपको कौन सी नौकरी मिल सकती है। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ अभी, प्राइवेट की तो कंपनियां बहुत सारी डिमांड रखती है। तो देखिए, आईटीआई करने के बाद आपको गवर्नमेंट सेक्टर में क्या मिलेगा, आईटीआई के बाद आपको क्या मिलेगा गवर्नमेंट सेक्टर में, आप यहां से लोको पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टेक्नीशियन के लिए कर सकते हैं रेलवे में, जो भी हो टेक्नीशियन, लोको पायलट, और रेलवे का खास तौर का डिमांड है आईटीआई का। इन तीनों में से रेलवे आपके लिए जिंदाबाद है आईटीआई वालों के लिए, और भी जॉब है आपके लिए आईटीआई वालों के लिए, ये बिजली विभाग में है, बिजली विभाग में आपका जो है आईटीआई वाला इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे जेई भी बन जाते हैं। पहले कुछ दिन के लिए उनको जेई का असिस्टेंट रखा जाता है, उसके बाद 7 साल बाद जेई बन जाते हैं आईटीआई वाले। अब देखिए, इनमें जो है पॉलिटेक्निक वाले क्या करेंगे, ये डायरेक्ट रेलवे में जेई बन सकते हैं, एसएससी जेई बन सकते हैं, रेलवे जेई, एसएससी जेई, यूपी जेई, बिहार जेई, मैंने अदर स्टेट का भी जेई बन सकता है, और एसएससी जेई, रेलवे जेई भी बन सकता है। उसके बाद इसके लिए और भी अपॉर्चुनिटी है, आपको बताता हूँ पॉलिटेक्निक वालों के लिए क्या क्या है। तो इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद बता देता हूँ आपको, आप नोट करते रहिए पेन कॉपी लेकर के, कि आप पॉलिटेक्निक करने के बाद और भी क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आप भी लोको पायलट बन सकते हैं, यानी आप ट्रेन के ड्राइवर बन सकते हैं, टेक्नीशियन में भी जा सकते हैं, और भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कंपनी में भी जा सकते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, पॉलिटेक्निक का बात बताया कि 3 साल का होता है, 3 साल में आपके टोटल लगभग, अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो 50-60 हजार रुपए में आप कर सकते हैं, 50 हजार रुपए में 3 साल डिप्लोमा रह के खर्चा बिता करके आप पूरा करके डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। आईटीआई 2 साल का है, तो इसमें ही अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है
तो घर से बाहर आते हैं तो 24 दुनी 48,000 रुपया या लगभग 12 दुनी 24 महीने होते हैं तो 2,000 का भी अगर जोड़ते हैं क्योंकि इसमें फीस तो 1,000 ही लगता है तो भी आप 40-50,000 रुपये में ITI भी कर सकते हैं। तो ये रही आपकी ITI और पॉलिटेक्निक की डिफरेंट। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप 97-21-085-802 इस पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं 9721085802 पे। बाकी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है ट्वेल्थ के बाद, या तो ITI कीजिए या पॉलिटेक्निक कीजिए या ग्रेजुएशन कर लीजिए। ग्रेजुएशन बहुत मायने रखता है। अगर आपको IAS PCS की तैयारी करनी है या ऊपर लेवल की तैयारी करनी है तो ग्रेजुएशन सबसे पहले प्राथमिकता है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कर लीजिए।